हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, चैप्टर नंबर 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक विभिन्न पक्षों के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मीनिंग डिस्कस करते टाइम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो बिजनेस है उसका सोसाइटी के डिफरेंट पार्टीज़ के लिए या डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो ओनर के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इन्वेस्टर्स के लिए हो, एम्प्लॉयज़ के लिए हो या गवर्नमेंट के लिए हो। तो डिफरेंट सेक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। तो हम एक एक करके बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट पार्टीज़ क्या क्या हैं वो देखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए बिज़नेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एज अ कस्टमर अगर हम खुद भी सोचें कि आप एक बिज़नेस से क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? कि प्रोडक्ट कम प्राइस में अवेलेबल हो, बेस्ट क्वालिटी का अवेलेबल हो, उसमें किसी टाइप का कुछ भी मिलावट या एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। हमें कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो वो बिज़नेस के थ्रू सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ये सब नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे अपने माइंड में आती है एज अ कस्टमर। ओके, सो हम बुक के अकॉर्डिंग भी देख लें। तो एज आई टोल्ड यू कि बिज़नेस की कस्टमर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे फर्स्ट थिंग फेयर प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी गुड्स अवेलेबल करवाना। सेकंड थिंग जमाखोरी, मिलावट, एडल्ट्रेशन जिसे हम बोलते हैं, कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी, इस टाइप की एक्टिविटी से दूर रहना चाहिए बिजनेस को। देन आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए कंज्यूमर्स को, सो दैट आफ्टर सेल यानी गुड्स को परचेस करने के बाद अगर कंज्यूमर्स को कुछ भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो वो सेटिस्फाई हो सके। देन कंज्यूमर्स के, कंज्यूमर भी बहुत सारे सेक्शन वाले होते हैं, हाई सोसाइटी, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन होना चाहिए एंड गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सही एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, फॉल्स प्रमोशन नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का। देन अगर सोल्ड आउट गुड्स से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है कंज्यूमर को, तो उन कंप्लेंट्स का भी रिड्रेसल एज सून एज पॉसिबल होना चाहिए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सो दैट डिमांड के अकॉर्डिंग टाइमली कंज्यूमर्स तक गुड्स सप्लाई हो सके। कंज्यूमर्स को गुड्स को चूज़ करने को फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहिए। यस, डेफिनेटली अगर कंज्यूमर चाहे तो एडवाइस दी जा सकती है, बट प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। देन भले ही कंज्यूमर, देखा होगा आपने भी, हम भी कई बार कोई प्रोडक्ट अगर ख़रीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होते हैं जनरली बिल देते ही नहीं हैं, और हमें भी जनरली याद नहीं रहता कि हम बिल ले लें, या अगर हम बिल मांगते भी हैं कि भैया इसका बिल दे दो, थोड़ा कैसा रहता है कि अरे कहाँ बिल मांग लिया, मतलब उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इन्होंने बिल मांगा। ठीक है, तो ये बिज़नेस की या यूँ कहें बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भले ही कंज्यूमर ना मांगे बिल, तो भी उन्हें सही कैश मेमो देना चाहिए। देन स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए, कंज्यूमर्स के साथ वेल मैनर में बिहेव करना चाहिए, यानी अच्छे से बिहेवियर रखना चाहिए कंज्यूमर्स के लिए। गुड्स की पैकिंग प्रॉपर होना चाहिए और उस पर सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग गुड्स होना चाहिए। ओके,
फर्स्ट थिंग कंज्यूमर से अच्छा बिहेवियर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज ए कंज्यूमर हम भी जानते हैं कि अगर चार शॉप्स हैं आपके एरिया में और तीन शॉप्स के ओनर जो हैं वो अच्छे से बिहेव नहीं करते या कंज्यूमर से इरिटेट होते हैं या उन्हें प्रोडक्ट दिखाने में आलस करते हैं, तो हम उन तीन शॉप्स को छोड़कर उसी शॉप पे जाना प्रेफर करते हैं जहाँ का शॉपकीपर जो है वो प्रॉपरली इंटरटेन करता है कंज्यूमर्स को, वाइड रेंज दिखाता है, इरिटेट नहीं होता और प्रॉपर एडवाइस भी करता है कि उनके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी ये कंपलसरी है कि जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन उसकी पैकिंग पर होना इसेंशियल है, स्पेशली जो फूड आइटम्स होते हैं उन पर। ओके, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। नेक्स्ट है इसके बाद बिजनेस का स्वयं के प्रति उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स और हिमसेल्फ। तो डेफिनेटली बिजनेस का यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ, आप अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके बिजनेस के खुद के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपका क्या आंसर होगा? सबसे पहला यही कि बिजनेस की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सफिशियंट प्रॉफिट अर्न करे। ओके, क्योंकि मेन एम बिजनेस का क्या होता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट। ओके, सो इसके अलावा भी और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की, तो हम देखते हैं सारे पॉइंट वाइज। बिजनेस को सफिशियंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए ट्राई करना चाहिए सो दैट उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बनी रहे। जब एक बिजनेस कंटिन्यूस बेसिस पे सफिशियंट प्रॉफिट अर्न करता है तो उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसके अलावा न्यू मार्केट को सर्च करते रहना सो दैट न्यू जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ग्रोथ की वो सर्च आउट होती रहे और उसका बेनिफिट मिलता रहे। इनोवेटिव आइडियाज़ को अडॉप्ट करना, ऐसी एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना जिससे इनोवेशन को प्रमोशन मिले। देन वर्किंग कैपिटल को मेंटेन रखना, बिकॉज फिक्स कैपिटल तो बहुत इम्पॉर्टेंट होती ही है एक बिजनेस में, बट स्पेशली जो वर्किंग कैपिटल होती है वो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ के स्मूद रनिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस की जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ही सफ़र करने लगेगी, और वो सफ़र करेगी तो डेफिनेटली बिजनेस भी सफ़र करेगा। देन लेस कॉस्ट में बेस्ट प्रोडक्शन करना और मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, ये भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद की कैपेसिटी में कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीमेंट करते रहना, डेवलप होते रहना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉम्पिटिशन जो है, हेल्दी कॉम्पिटिशन को क्रिएट करना और उसको फेस करना, इफ़िशियंट मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करना और उसे मेंटेन रखना। इसके अलावा जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बिजनेस के पास, उन रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना। देन बिजनेस के गुडविल को ऑलवेज मेंटेन रखना, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की टूवर्ड्स हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद विनियोजकों के प्रति दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं या अदर इन्वेस्टर्स, जैसे अगर डिबेंचर्स इशू किए हैं तो डिबेंचर्स को परचेस करने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं। ये सब कौन होते हैं? ये वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस में अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं। तो ऑब्वियसली जो पर्सन कैपिटल के तौर पर यानी कोई मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में तो वो बिजनेस का ओनर हो गया। ठीक है, और इन्वेस्टर्स जो हैं ये भी बिजनेस के क्या हो जाते हैं? क्रेडिटर्स हो जाते हैं, जैसे डिबेंचर होल्डर्स वगैरह हो गए वो सब। तो इन लोगों के प्रति भी, इन लोगों के टूवर्ड्स भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि इन्वेस्टर्स मनी प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, तो डेफिनेटली उस मनी का
प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना और उस पर सफिशियंट अमाउंट में रिटर्न प्रोवाइड करना, ये सब हम इन जनरल बात कर सकते हैं कि ये बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बट बुक के अकॉर्डिंग देखते जाते हैं हम। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड इन्वेस्टर्स, एज आई टोल्ड यू कि इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टेड मनी है उस पर उन्हें उन्हें प्रॉपर डिविडेंड या रिटर्न प्रोवाइड करना, ठीक है। देन इन्वेस्टर्स ने जो मनी इन्वेस्ट की है बिजनेस में उसको उसकी सेफ्टी रखना, उसे मिसयूज़ ना होने देना या ख़राब ना होने देना। देन शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करके रखना, बिजनेस की प्रोग्रेस की इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करते रहना, ऐसे स्कीम्स या ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें प्रॉफिट होने के चांसेस नहीं हैं उनमें कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। एंड अगर कोई मीटिंग वगैरह होती है तो ऑब्वियसली मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स की भी प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट रहती है, तो उन्हें टाइम टू टाइम एंड टाइमली मीटिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सभी इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स के साथ सेम वे में बिहेव करना, शेयर्स की इंफॉर्मेशन राइट वे में प्रोवाइड करना, शेयर मार्केट में शेयर्स को लिस्ट कराना, एंड ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि माइनॉरिटी में इंक्लूड होते हैं उन्हें प्रॉपर स्कोप देना, स्पेस देना, सो दैट वो भी अपनी बातें रख सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। अब इसके बारे में भी आप खुद से सोचिए ज़रा कि क्या हो सकता है। एक बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? वेरी इजी, एम्प्लॉयज़ को ऑब्वियसली सैलरी के लिए वर्क कर रहा है तो टाइम टू टाइम एंड सफिशियंट अमाउंट में सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड करना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए सो दैट उनको वर्क करना ईजियर रहे। अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, ठीक है। तो देखते हैं हम जॉब सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली, तो देखते हैं हम कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बिज़नेस की टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़। सो सबसे फर्स्ट थिंग कि परमानेंसी की फीलिंग क्रिएट करना चाहिए, जनरेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ में। ये वो फीलिंग है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ जो है वो सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं बिज़नेस में। उन्हें लगता है कि हाँ, हम फिक्स, हमारी जो जॉब है परमानेंट है, तो ऐसे में वो फ्री होकर फुल एफिशिएंसी एंड एफर्ट के साथ में वर्क करते हैं। जहाँ जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग नहीं होती है, परमानेंसी की फीलिंग नहीं होती, वहाँ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो स्टेबल होकर लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं कर पाते हैं एंड ऑब्वियसली ऑलवेज इनसिक्योर फीलिंग के साथ वर्क करते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, उन्हें प्रॉपर सैलरी, बोनस एंड उनके वर्क के अकॉर्डिंग स्पेशल रिम्यूनरेशन भी प्रोवाइड करने को के सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए सो दैट वो ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क कर पाएँ। देन उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, जैसे पेंशन हो गई या मेडिकल फैसिलिटी हो गई, एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया या प्रोविडेंट फंड हो गया, इन सब से रिलेटेड भी फैसिलिटी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है। एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के अकॉर्डिंग प्रमोशन प्रोवाइड करना चाहिए, इवन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट भी प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर बिकॉज ऑफ फुल एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ बिजनेस नॉर्मल से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट में भी पार्ट प्रोवाइड करना चाहिए। सोशल वेलफेयर के वर्क करने चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए, लाइक उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इंटरटेनमेंट के लिए और स्पोर्ट्स ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना, कैंटीन, उनके चिल्ड्रंस के लिए
एजुकेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, इन सब की प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो लेबर पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए सो दैट एम्प्लॉयज़ का वेलफेयर हो पाए। देन एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अगर कोई अच्छा वर्क करता है तो उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ के साथ ह्यूमैनिटी के साथ एंड फैमिलियर बिहेवियर रखना चाहिए सो दैट वो भी अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट समझे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर और उनके वर्किंग एफिशिएंसी के लिए। तो ये है बिजनेस की डिफरेंट पार्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है सरकार के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए भी बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी होती है। फर्स्ट थिंग, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी बिजनेस या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना, उनको ओबे करना। देन गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाइड जो भी टैक्सेस हैं उनका टाइमली पे करना, टैक्स इवेजन नहीं करना। देन कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना हो सके एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। गवर्नमेंट के थ्रू जो भी डिसाइडेड स्टैंडर्ड्स हैं उस अकॉर्डिंग ही गुड्स का प्रोडक्शन करना। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। ऐसे टाइमिंग, यानी कई बार होता है कंट्री में ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जिसमें कि इकोनॉमिक कंडीशन डाउन हो जाती है या गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे अभी पहले आई थी मंदी, रिसेशन पीरियड आया था जो बहुत ही वर्ल्ड वाइड काफ़ी हार्मफुल था इंडस्ट्रीज़ के लिए। सेकेंड थिंग, अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो ऑब्वियसली अभी भी कंट्री जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो इस टाइप के जो भी बैड टाइमिंग्स आती हैं गवर्नमेंट को उसमें सपोर्ट करना ताकि गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ के सपोर्ट से वर्क कर पाए। देन नेशनल बेनिफिट्स को भी ध्यान में रखना, यानी जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनसे अलग हटके नेशनल मैटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना और पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने की कोशिश नहीं करना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना सो दैट इंटरनेशनल मार्केट में कंट्री एंड कंट्री के प्रोडक्ट का नाम हो, बेनिफिट मिले कंट्री को इसका, ओके। तो ये सब थे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स डिफरेंट पार्टीज़, ओके। होप्स आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।